कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में बने धर्म आधारित ओबीसी सर्टिफिकेटों को रद्द करने के फैसले पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इंडी गठबंधन और उसकी अगुवा पार्टी कांग्रेस केवल तुष्टीकरण पर भरोसा करती है। उनका तुष्टीकरण का इतिहास काफी पुराना है। देश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सभी के साथ न्याय की बात करती है और तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं करती, पर विश्वास करते हुए विकसित भारत के लिए संकल्पित है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को उसके साथी सभी तुष्टीकरण की राजनीति पर भरोसा करते हैं। इनकी लीडर पार्टी कांग्रेस के लिए अगर मैं उदाहरण दूं तो हर पीढ़ी से हम कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति पर ही भरोसा करते आए हैं। 1956 में नेहरू जी के जमाने में हिंदू माताओं बहनों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का लाभ मिला, लेकिन तुष्टीकरण का मुस्लिमों के लिए वे लागू नहीं कर पाए। इंदिरा जी के जमाने में गौ वंश की हत्या करने वाले हत्या के विरोध में कानून बनाने के लिए मांग कर रहे लोगों पर संसद के बाहर गोली चलवाई गई। राजीव गांधी जी के जमाने में साहबानू का प्रकरण हुआ जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक साहबानू एक माता जिसे जिसे तलाक दे दिया गया था उसको महीना हर्जाना देने के लिए उसको सहायता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया, उसे ऑर्डिनेंस लाकर अध्यादेश लाकर बदलने का पाप अगर किसी ने किया तो राजीव जी ने अपने जमाने में किया। सोनिया जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह से तुष्टीकरण की ही राजनीति करते आए हैं। आंध्र प्रदेश में आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिएगा जिसमें इन्होंने मस्जिदों के लिए बिजली बिल माफ करने की बात कही थी। जो मंदिर हैं गुरुद्वारे हैं वहां बिजली बिल माफ नहीं करेंगे, ये केवल मस्जिदों पर करेंगे। इन्होंने आंध्र प्रदेश के घोषणा पत्र में एक बार कहा था केवल मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। एक मरीज हिंदू मरीज एक बौद्ध मरीज एक जैन मरीज अगर अस्पताल के बाहर तड़पता रहेगा तो उसको ये इलाज नहीं करेंगे, केवल मुस्लिमों के लिए ये अस्पताल बनाने की बात करते रहे। इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस उनकी लीडर है और सारे इंडी अलायंस के सभी गठबंधन पार्टनर्स इसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करते आए हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन, न्याय सभी के साथ तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, इस बात पर विश्वास करते हुए भारत को एक प्रोग्रेसिव एक प्रगतिशील विकसित राष्ट्र बनाने पर काम करती है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी है।